अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की जरूरत है, चीन के छात्रों की नहीं। ये सिर्फ एक एजुकेशन की ही न्यूज़ नहीं है कि एक ऐसा फैसला किया जाने वाला है, या ये डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये कहा गया है। To the media, the Republican said that he wants to give automatic green cards to foreign students who graduate from American colleges. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है? पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक करने में फायदा सिर्फ आपको ही है, हम तो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और पहले आरजू जी, मैंने बड़ी बार आपके शो पे बात करी है, एक दोबारा से आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है पाकिस्तानियों की, कि जब से हमने आप लोगों से बात करनी बंद करी है, ट्रेड को फ्रीज कर दिया, तब से ही हमारी तरक्की हो रही है, क्योंकि आपके नाम के आगे पी लगा है पनौती। लेकिन मुझे उसमें इंडियंस के सम्मान से ज्यादा एक प्लान की बू आ रही है, जो कि डॉट्स को कनेक्ट करके साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से वो प्लान बनाया गया। और इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है। जा रहे हैं कि जी कल अफगानिस्तान के मुल्क सरहदी इलाकों में गनशिप तैयार, कोई ब्रदर शरादर नहीं है, याद रखना, सियासत के बाजार में ब्रदर नहीं होते। अफगानों के साथ हमारी एक तारीख है, उठा के देख लें यार, जब हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया गया तो यहां से मुसलमान पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, आपको पता होगा, कपड़े नहीं छोड़े उनके जिस्म पे उन्होंने। बांग्लादेश भी हमें बहुत अच्छा और एक ट्रस्टवर्दी अलाई मानता है, और उन्होंने बोला भी इस बार कि इंडिया ने जैसे हमें वो पाकिस्तानियों से वही जहलों से हमें रिलीज करवाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएस में साइंस की पढ़ाई के लिए चीनी की नहीं बल्कि भारतीय छात्रों की जरूरत है, ये बोला है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने। अमेरिकी मंत्री ने सोमवार को कहा कि देश को चीन से आने वाले छात्रों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उन्हें साइंस के बजाय ह्यूमैनिटी आर्ट की पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी की सुरक्षा चिंताओं की वजह से चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुँच को सीमित कर रही है। उप विदेश मंत्री कार्ट कैम्बल ने कहा कि अमेरिकन बड़ी संख्या में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियर और मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इन फील्ड के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट की भर्ती करने की जरूरत है। उन्होंने कहा लेकिन ये भर्तियां चीन से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चीनी स्टूडेंट्स पर भरोसा नहीं कर सकते, इसके बजाय हमें भारतीय स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना चाहिए, जो कि यूएस का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है। उप विदेश मंत्री से ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई चाइना इनिशिएटिव के बारे में भी सवाल किया गया। इस पे उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य चीनी जासूसी और हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी से निपटना था, जिसे बाइडेन प्रशासन के तहत समाप्त कर दिया गया। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने यह कहा है कि यूएस को चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशंस देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। एक तो ये कि चाइनीज स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, जो 2022-23 में बताई जाती है तादाद, उसमें 2,90,000 चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, इसकी वजह ये है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अमेरिका को ये शक है कि ये शक क्या है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज़ हैं अमेरिकन्स की, वो चुरा कर ले जाएं। तो देखिए, जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशन की ही न्यूज़ नहीं है,
कि एक ऐसा फैसला किया जाने वाला है या ये डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये कहा गया है, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स भी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है, और ख़ास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेमिसाल हैं, ज़बरदस्त हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में आप देखें उनकी कितनी डिमांड है। आप पूरी दुनिया के टेक कंपनीज उठाकर देख लीजिए, सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक, पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और कंपनीज़ में इंडिया की यूथ नज़र आती है। तो अमेरिका भी ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका की तरफ से ये एक फैसला उस खबर के बाद आया जो इससे पहले मैं आपको आप तक पहुंचा चुकी हूं। और वो ख़बर क्या थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। मोदी साहब की जो हुकूमत है वो एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे चाइना बैकवर्ड्स पिछले कदमों पे जा रहा है। देखें, इससे पहले एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि फ़्लाइट्स खोल दें, पैसेंजर फ्लाइट्स जो इंडिया और चाइना के बीच हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं खोली, नो कर दिया, इंडिया की तरफ से फ़्लाइट्स नहीं खोली गई। तो चाइना का रिक्वेस्ट करना, इसका मतलब यह है कि चाइना को ज़रूरत है। देखिए, पहली बात यह है कि भारत की एक पॉलिसी है जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमने जितने भी नेबरर्स हैं उनके साथ हमने अपने रिलेशन को इंक्रीज किया, उनके साथ ट्रेड इंक्रीज किया है, बिकॉज वी फील किया पूरी दुनिया से ट्रेड करने से बेटर है कि जो हम आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ सबसे पहले हम ट्रेड करें, उन्हें अपना एक एलाई बनाएं। बांग्लादेश भी हमें बहुत अच्छा और एक ट्रस्टवर्दी एलाई मानता है, और उन्होंने बोला भी इस बार कि इंडिया ने जैसे हमें वो पाकिस्तानियों से वही जनहेलों से हमें रिलीज करवाया है 71 में, और उसकी बात हम भूल नहीं सकते। ये एहसान हमेशा बांग्लादेशियों के दिमाग के ऊपर और जहन में हमेशा रहेगा, और हम भारत को एक बहुत बड़ा पार्टनर बांधते भी हैं। और जो बातें करी हैं, अब देखिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, हमने कुछ छोटी मोटी बात नहीं करी है बांग्लादेश के साथ। मैं इंपॉर्टेंस के ऊपर भी आता हूँ कि इंपॉर्टेंस कितनी है और क्या बात करी है। हम अगर ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड हो सकती है इंडो पैसिफिक के कारण। एनर्जी की बातें हो रही हैं, ग्रीन एनर्जी की बातें हम कर रहे हैं, ब्लू एनर्जी की बातें कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपको मालूम है कि डिफेंस के अंदर जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, हमने वो भी बोल दिया उनको कि आपको हथियार चाहिए, हम देंगे। अगर आपको स्पेस के अंदर कोई कनेक्टिविटी चाहिए, हम देने को तैयार हैं। बाकी वो नहीं है कि चाइना से कोई सैटेलाइट ले लिया और अपना इंटरनेट चलाया, जो कभी कभी बंद भी हुआ था आपका, इसलिए होता है क्योंकि चाइनीज है। लेकिन बांग्लादेश वाले जो है वो उनको इंडिया ने ऑफर किया कि हम आपको देंगे, चिंता ना करो। तो ताकि मुझे लगता है कि जो हसीना जी हैं वहाँ की, वो आपकी वीडियोस देखती हैं, कभी कभी बीच में अटक जाती हैं क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाता है, और आप समझ सकती हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक करने में फायदा सिर्फ आपको ही है। हम तो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और पहले आरजू जी, मैंने बड़ी बार आपके शो पे बात करी है, एक दोबारा से आपको याद दिलाया था, क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है पाकिस्तानियों की, कि जब से हमने आप लोगों से बात करनी बंद करी है, ट्रेड को फ्रीज कर दिया, तब से ही हमारी तरक्की हो रही है, क्योंकि आपके नाम के आगे पी लगा है पनौती, तो पाकिस्तान भी पी से शुरू होता है। तो जिस जिसने आपके साथ काम किया, भारत आपके साथ काम कर रहा था, हम भी फ्रेजाइल 5 में थे, आज चाइना ने आपके साथ काम करना शुरू कर दिया, वो भी फ्रेजाइल 2 में आ गए हैं फ्रेजाइल 5 से, तो ये हालत है। तो जिसने भी काम किया आपके साथ उसका बट्टा बैठना ही बैठना।